अब प्लास्टिक और डिफॉर्मेशन के टू टाइप्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप जो है आपका, जिसमें आप देख रहे होंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ स्लिप, फर्स्ट के आपके प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बाय स्लिप की वजह से। नेक्स्ट है आपकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बाय ट्विनिंग। तो ये दो टाइप है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बाय स्लिप। अच्छा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बाय स्लिप क्या होती है, इसको हम एक डायग्राम के मेथड से समझेंगे। अब यहाँ आप ये डायग्राम देख लो, मैकेनिज्म स्लिप। जैसे एटम्स जो हैं ऑर्डर फॉर्म में अरेंज्ड हैं, फर्स्ट स्टेज में आपके जो एटम हैं वो फर्स्ट स्टेज में बिल्कुल रेगुलर शेप में अरेंज्ड हैं। अब जो हमने क्या है, शेयर फोर्स लगाई एक इस साइड से, एक आपकी इस साइड से, फिर इसमें क्या हुआ, स्ट्रेस लगाने के बाद इसके जो अरेंजमेंट थी, क्रिस्टल के जो एटम्स थे वो क्या हो गए, डिस्प्लेस हो। देखो इसमें दो प्लेन में हो गए, एक आप देख रहे होंगे स्टे थर्ड में, इस प्लेन के मेथड से वो क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए, एक यहाँ की तरफ हो गए और कुछ इधर की तरफ हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, स्लिप हो गए एटम्स, क्या हो गए, स्लिप हो गए और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी। मतलब अगर हम दोबारा इसको अपनी शेप में लाना चाहेंगे तो वो ना नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इन्होंने अपना प्लेन क्या है, डिस्प्लेस कर लिया हुआ है। ठीक है, एटम ने वो सारे ऊपर वाले जो एटम थे वो सारे के सारे एक प्लेन में डिस्प्लेस कर गए, तो इसे क्या कहेंगे, मैकेनिज्म ऑफ स्लिप। ठीक है, अब स्लिप रिप्रेजेंट शेयर डिफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, इन दिस डिफॉर्मेशन एटम ऑफ वन क्रिस्टल प्लेन वन मूव ओवर द एटम। ठीक है, एक प्लेन के में हेल्प से वो सारे क्या कर गए थे, डिस्प्लेस कर गए थे। ठीक है, ऑफ अनदर क्रिस्टल प्लेन। ठीक है, शेयर फोर्स स्लाइड द टू कंसेक्यूटिव पार्ट ऑफ द बॉडी, जो शेयर फोर्स है उसको स्लाइड करें दो फोर्सेस। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव पार्ट्स में, दो बॉडी हो गई चुकी थी इनकी, कंसेक्यूटिव बॉडीज बन चुकी थी उनकी। ठीक है, लगा तो उसे क्या कहेंगे हम, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बाय स्लिप। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं स्लिप की, स्लिप इज ए परमानेंट डिफॉर्मेशन, क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है तो ये क्या होगी, परमानेंट होगी। तो इन वियर शेयर मूव इंटर एटोमिक डिस्टेंस, जो आपके शेयर के कारण क्या रहे, जो इंटर एटोमिक डिस्टेंस पे क्या करके मूव करके, स्लिप कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय शेयर फोर्स होने, जो स्लिप कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है, शेयर फोर्स के कारण। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शेयर डिफॉर्मेशन, इसे हम क्या कहते हैं, शेयर डिफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बाय ट्विनिंग। तो इसमें क्या होता है, इन ए ट्विनिंग पोर्शन ऑफ क्रिस्टल टेक अप एन ओरिएंटेशन। ठीक है, विच मेक्स द पोर्शन ऑफ मिरर इमेज। इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल का जो पोर्शन होता है वो क्या कर, ओरिएंटेशन हो जाती है, ओरिएंटेशन विच मेक्स द पोर्शन मिरर में, उसमें क्या है, मिरर इमेज की तरह बन जाते हैं। इसमें जो आपके एटम्स होते हैं वो कुछ डिस्टेंस पे मूव करते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे मूव नहीं करते, जो आपका इलास्टिक स्लिप था उसमें क्या था, प्लास्टिक जो स्लिप था उसमें क्या था, सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे मूव कर रहे थे प्लेन में, बट इसमें क्या होगा, इसमें आपके इक्वल डिस्टेंस पे मूव नहीं करेंगे। अब मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको। अब आप ये डायग्राम देख रहे हो, मैकेनिज्म ऑफ ट्विनिंग। ट्विनिंग में क्या होता है, देखो इसमें एटम्स जो है और उनकी ओरिएंटेशन क्या हो रही है, चेंज हो गई है। ठीक है, और वो इक्वल जो सभी एटम हैं वो अलग सेम डिस्टेंस पे मूव नहीं किए हुए, अलग अलग डिस्टेंस पे कह रहे हैं मूव करे हुए हैं। ठीक है, और इनकी कैसी एक इमेज बन रही है, पहले ये परफेक्ट रीजन था उसकी वजह से कैसी बन रही है, ये एक मिरर इमेज बन रही है ये। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये क्या बन रही है, इसकी मिरर इमेज बन रही है, तो इसे मैकेनिज्म ऑफ ट्विनिंग कहते हैं। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या, देखो पहले जो क्रिस्टल था वो हमारा ऐसे था। ठीक है, फर्स्ट ऐसे था, फिर हमने क्या किया, उसमें क्या है, आफ्टर स्लिप के कारण देखो ये इक्वल डिस्टेंस पे जो एटम जो है मूव कर सके, ये इस वाले की तरफ है कुछ इसकी तरफ थे, हमने शेयर फोर्स लगाई थी उसके। जो ट्विनिंग में होता है, ट्विनिंग में देखो किस तरह ये आप देख रहे होंगे ऐसे हो रखे हैं। ठीक है, इसमें ट्विन की वजह से ऐसी फॉर्म में आ चुके हैं, तो ये ट्विनिंग होती है और ये हमारी स्लिप होती है। तो ये दो टाइप थे इसके। ठीक है, स्लिप और ट्विन। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्लिप एंड ट्विनिंग। एक ये आपने मैंने दिखा दिया आपको डायग्राम, अब इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ते हैं।
अब देख रहे हो सबसे पहले जो है टाइप ऑफ डिफेक्ट, इसमें स्लिप में कौन सा डिफेक्ट आता है? लाइन डिफेक्ट। ट्विन में कौन सा डिफेक्ट आता है? बाउंड्री डिफेक्ट। मूवमेंट होती है इसमें क्या होती है? ड्यूरिंग स्लिप ऑल एटम ब्लॉक मूव्स सेम डिस्टेंस, सारे इक्वल डिस्टेंस पे मूव करते हैं। ट्विनिंग द एटम इन ई सक्सेसिव प्लेन इन ब्लॉक मूव थ्रू डिफरेंट डिस्टेंस, इसमें क्या करते हैं? डिफरेंट डिस्टेंसेस पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए इसमें? इसमें आपके आ गया बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। और ट्विनिंग में कौन सा आ गया? एच सी पी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होती है वो किस में आती है? हमारी ट्विनिंग। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टल एक्सिस। आफ्टर दिस स्लिप क्रिस्टल एक्सिस रिमेन सेम, जो इसकी क्रिस्टल एक्सिस होती है वो सेम ही रहती है, बट इसमें जो है क्रिस्टल की एक्सिस होती है वो डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, ओरिएंटेशन क्या हो जाती है? सेम ही रहती है ओरिएंटेशन। इसमें क्या हो जाती है? मिरर शेम ही हो जाती है और चेंज हो जाती है ओरिएंटेशन। स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर स्लिप इज कम टू लेस, इसमें जो स्ट्रेस रिक्वायर होती है वो कैसी होती है? लेस होती है, और इसमें जो होती है ज़्यादा होती है, स्ट्रेस ज़्यादा होती है ट्विनिंग में। ठीक है, इनिशिएशन एंड प्रोपोगेशन, द स्ट्रेस नेसेसरी टू प्रोपोगेट स्लिप। ठीक है, जब अगर हमने स्लिप करवानी है तो हमें स्टार्टिंग में हाइयर स्ट्रेस होनी चाहिए। ठीक है, हाइयर देन दी स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट स्लिप, मतलब एंड में जो होगी वो स्ट्रेस ज़्यादा होगी, स्टार्टिंग में इतनी नहीं लगी, बट जो आपका स्ट्रेस प्रोपोगेट होता है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें माइक्रोस्कोपिक व्यू देख, इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू की हेल्प से देखा जा सकता है, इसको हम अंडर माइक्रोस्कोप ही देखते हैं। ठीक है, इसको भी हम माइक्रोस्कोप के मेथड से देखते हैं। थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है, ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? इसमें रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है थ्रेशोल्ड वैल्यू की, बट इसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू की रिक्वायर नहीं होती है वैल्यू की जानना। ठीक है, ड्यूरेशन ये कुछ सेकेंड का स्लिप जो होती है वो कुछ सेकेंड के लिए होती है, और जो ट्विनिंग होती है और विद इन फ्यू माइक्रोसेकेंड में, ये माइक्रोसेकेंड में आ जाती है। ठीक है, तो इन दोनों में स्लिप और ट्विनिंग में डिफरेंस है। ठीक है,